स्वकर्मणा अपनी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं वाराणसी, भारत का सबसे ही प्राचीन और पुराने शहरों में शुमार बनारस, काशी या फिर वाराणसी। तो आज हम चलेंगे एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी में जहां पर 3D लाइव लेजर शो चलता है, जिस पर दिखाया जाता है कि हमारे भारतवर्ष में हमारी सबसे ही प्राचीन नदी गंगा, उसका आगमन धरती पर कैसे हुआ था। तो उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बनारस का मेन मार्केट है। वाराणसी के इस प्रसिद्ध बाज़ार से गुज़रते हुए ही हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर ही बनी हुई है 3D लाइव शो गैलरी, जिसको हम मान सिंह महल या फिर मान सिंह वेधशाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक इस घाट के, जो ये हमारा दशाश्वमेध घाट है, ठीक इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हमारा राजेंद्र प्रसाद घाट है, वहाँ पर ही बनी हुई है बनारस की और भारत की इकलौती गैलरी जहाँ पर 3D लाइव शो चलता है। तो ये जो है, ये दशाश्वमेध घाट है और इसके ठीक बराबर में जो घाट है वहाँ पर ही म्यूज़ियम है, जिसको हम मानसिंह महल, मानसिंह म्यूज़ियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बनारस की प्राचीन चीज़ों को दर्शाया गया है। उसी में ही एक कॉर्नर है जहाँ पर लाइव शो चलता है, गंगा का आगमन धरती पर कैसे हुआ, जिसको दिखाया जाता है। तो ये अब आप देख रहे हैं, ठीक यहीं से रास्ता जाता है। और ये लीजिए, अब हम आ चुके हैं उस म्यूज़ियम के अंदर। ये देख सकते हैं आप काशी की गलियाँ और पुरानी काशी हमारी कैसी होती थी, उसके नज़ारे इस म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप बनारसी पान भंडार। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बनारस का पान पूरे ही भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से 3D के माध्यम से दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं LED स्क्रीन पर बनारस की गलियाँ, कुंज गलियाँ वो चल रही हैं। बनारस का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है बिल्डिंग्स का, वो भी है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप वर्चुअल फ्लेम जल रही है। ये आसपास की लाइटिंग आप देख सकते हैं। वाराणसी को स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, उसी को ये दर्शा रही है, जो हमारा आध्यात्म की नगरी है। तो हर एक चीज़ जो भी वाराणसी में मौजूद है, उसको 3D मॉडल या फिर वर्चुअल मीडियम के माध्यम से इस म्यूज़ियम में पब्लिक के लिए उसकी छोटी सी झांकी यहाँ पर बनाई गई है। और चलिए अब चलते हैं हमारे शो की तरफ। मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा सच है कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरती वासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा सच से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती नष्ट हो जाएगी। वो भगवान श्री शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे वेग को अपनी जगह थाम ले। भगीरथ ने शिव तैयार है। आने दो गंगा को।
गंगा में भगीरथ के साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूल कर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते समते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंग देती है। गंगा कायम सदियों से ये पुरवकार, हर अभिगत मंद का ये शहर है दारू मदार। अनगिनत है रस्मियां के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।